नमस्ते बच्चों, अपर्णा के खिलौनों में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा और आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आज की बात करने के लिए पहले एक पुरानी बात। लास्ट वीडियो याद है आपको, एक बालक पूछ रहा था ये बादल बने कैसे, बादलों का घर कैसा, चिड़िया से बात कर रहा था ना। तो आज हम समझेंगे उन्हीं बादलों की कहानी, ठीक है, कि वो बादल आते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। समझ गए बच्चों? तो चलो हम देखते हैं कि बादल बनते कैसे हैं। ये है हमारी धरती, ये देखो ये पहाड़ हैं, पेड़ हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं, और ये क्या है, ये है नदी, ठीक है ना, नाव तैर रही, देखो इसमें पानी है ब्लू ब्लू, और ये हमारा सूरज कैसे चम चम चमक रहा है, और ये वही चिड़िया है जिससे पूछ रहा था बालक कि बादलों का घर कैसा होता है ना। तो ओ, इसमें बादल तो है नहीं, बादल कहाँ गए? चलो हम समझते हैं इसमें बादल आएंगे कैसे, मतलब बादल बनते कैसे हैं। तो क्या होता है बच्चों, जब गर्मी आती है ना, सूरज हो जाता है लाल लाल, सब लोग हो जाते हैं पसीने से बेहाल। तो जब ये लाल लाल सूरज चमकता है और गर्मी हो जाती है बहुत, तो क्या होता है, ये पानी में यहाँ पे आकर इसके पानी को भाप बनाता है। अब कैसे बनाता है ये आपको नहीं समझ में आता, तो वो हम बाद में प्रैक्टिकल करके समझेंगे कि गर्मी से पानी कैसे भाप बन के उड़ता है, ठीक है। अभी आप समझो कि जब सूरज नीचे इसकी किरणें आती हैं और पानी गर्म होता है, पानी से भाप उड़ती है, तो यहाँ बन जाते हैं बादल, ठीक है। तो अब मैं बना के आपको दिखाती हूँ बादल। बच्चों ये देखो, ये भाप बन के उड़ रही है धीरे धीरे धीरे, है ना, और ये बन रहे हैं बादल। अब ये बादल हवा में कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते, तो शुरू में क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी भाप उड़ी और बादल बने, तो ये हल्के, बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए ये हमको दिखते हैं सफेद। फिर और भाप बनती जाती और बनती जाती, कितने दिनों तक गर्मी का मौसम रहता ना, हर रोज भाप बनती जाती है और रोज रोज बादलों में पानी इकट्ठा होता जाता है और बादल हो जाते हैं काले, और देखो धीरे धीरे ये काले हो गए, अरे इनकी दाढ़ी और बाल भर काले हुए हैं। ऐसे ये बहुत सारी भाप इकट्ठे होते होते और काले हो जाते हैं, और फिर हवा से उड़ के इस तरफ आ जाते हैं। उड़ते उड़ते बादल देखो ये यहाँ आ गया। अब ये पहले तो बादल थे हल्के तो ऊपर थे, अब बादल हो गए हैं भारी, देखो कितने काले काले, तो ये आने लगते हैं नीचे धरती के पास, और जब और भारी हो जाते हैं तो इनकी जो भाप है ना, जो ये यहाँ से पानी की भाप से बने थे वही वाली भाप, वो भाप बदल जाती है बूंदों में, और बूंद क्या होती है, वजन में भारी, तो बूंद आ गई नीचे और हम क्या कहते हैं, बारिश आ गई, बारिश आ गई, है ना। अब ये बारिश जब नीचे आती है तो फिर यहाँ से बहेगी, कहीं कहीं से बहती जाती है, नदियां बन जाती हैं। ये देखो बच्चों, ये बन गई नदी, देखा तुमने, और बादल और इकट्ठे होते जाते, आते जाते और आपस में टकरा जाते। और जैसे टकराओ, देखो ताली करी हमने तो क्या आवाज आई ना, ऐसे जब बादल टकराते हैं तो गरजने की आवाज आती है, हमारी तो छोटे छोटे हाथ है तो थोड़ी सी आवाज आएगी, और बादल तो इतने बड़े बड़े बने हैं ना, उनके टकराने की आवाज कितनी भयानक आती है, और फिर टकराने से चमकती है बिजली, दिख रही है बिजली, है ना। ओह नो, तो ये तो हो गई बादलों की कहानी। अब आ गया पानी नीचे, तो कुछ पानी तो इधर से बह गया, कुछ इधर से बह के नदी में चला गया, और कुछ पानी धरती के अंदर सोख लेती है, धरती धीरे 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 पानी सोख लेती है, अंदर आता जाता है, और जब पानी अंदर आके यहाँ इकट्ठा हो जाता है तो मालूम क्या होता है बच्चों, पानी देखो बच्चों इकट्ठा हो गया, ये अंकल आए, इन्होंने यहाँ खोदा और ये कुआं बना लिया, ठीक है ना,
और इस कुएं से पानी निकाल लिया। ऐसे ही एक अंकल ने यहाँ हैंडपंप लगा लिया और नीचे के पानी को ऊपर ले आए। इस तरह पानी धरती के नीचे इकट्ठा होता रहता है, इसीलिए कहते हैं ना घरों का जो पानी बहता है उसको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सुना होगा आपने। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द सुना है बच्चों? इसी तरह पानी को हार्वेस्ट किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, मतलब समझ गए बच्चों? तो चलो अब हम करने चलते हैं अपना प्रैक्टिकल। तो बच्चों आपने देखा कैसे हमने ड्रॉ करके बादल को समझा, पर अब हम करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल माने प्रयोग। उसके लिए हम चलते हैं किचन में। ये देखो मैंने गैस पे पानी उबलने चढ़ाया है। अब आपको मैं इसको खोल के दिखाती हूँ क्या बन के बाहर आएगी, कैसे भाप बन के ऊपर आती है। देखा एकदम से इतनी सारी भाप। तो क्या हुआ, यहाँ तो हमने पानी को नीचे से गर्म किया, वहाँ सूरज ऊपर से गर्म करता है और गर्म पानी भाप बन के इवेपोरेट होता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है, क्योंकि भाप होती है हल्की तो ऊपर जाती है और बादल बन जाती है। और जब ये थोड़ी हल्के बादल होते हैं ना तो इसमें सफेद रंग के होते हैं, एकदम सफेद सफेद, फिर और भाप इकट्ठी होती जाती है और भाप इकट्ठी होते, फिर ये हो जाते हैं काले रंग के, समझ गए बच्चों? तो जब ये काले बादल हो गए फिर वो हवा के संग उड़ते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, उड़ते उड़ते क्या करते हैं, कभी हमारे घर के ऊपर आ जाते हैं और फिर बहुत भारी हो जाते हैं, वजन हो जाता है तो बरसने लगते हैं। उनमें पानी कैसे बनता है दिखाऊं? इसके ढक्कन में देखना, ये देखो दिख रही है पानी की ड्रॉप, और देखो ढक्कन हिलाऊंगी तो गिरेगी ड्रॉप, गिर रही है, देखो एक नीचे दिख रही है। तो ये तो जरा से बादल हैं, घर में हमने बनाए हैं, वहां तो बहुत सारे बादल होते हैं, दिख रहा है ना कैसे ड्रॉप ड्रॉप नीचे फिसलती जा रही है ना? तो बच्चों समझ ली बादल की कहानी? तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी मेरी? इसमें आपने देखा कैसे सूरज ने बादलों को बनाया और कैसे नदी ने मदद की बादल बनाने में, और कैसे पानी हवा बन के उड़ गया और वापस आ गया धरती पे, सब कुछ हो गया है ना? तभी हमको पानी मिलता है, इसीलिए हमको पानी को संभाल के रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके बाय।